हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सलीम। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीज़ के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसे हम लोग एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम कहते हैं। और ये एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम इस वक्त बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में कई बच्चों की मौत का कारण बना है। इससे अप्रॉक्सीमेटली 100 से अबव जो बच्चे हैं उनकी डेथ हो चुकी है। इसे वहाँ पर लोकली चमकी बुखार के नाम से, मस्तिष्क बुखार के नाम से या दिमागी बुखार के नाम से जाना जाता है। और ये 10 साल से छोटे बच्चों को टारगेट करता है, यानी इस बुखार से जो अफेक्टेड बच्चे होते हैं वो 10 साल से छोटे होते हैं मोस्टली। और ये जो एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम है, इसमें इंसेफलाइटिस का मतलब क्या होता है, आइटिस का मतलब स्वेलिंग, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन, ब्रेन में स्वेलिंग हो जाने को ही इंसेफलाइटिस बोलते हैं। और इस AES यानी एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम में जो सिम्टम्स नज़र आते हैं, जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन नज़र आती है, वो यही होती है कि ब्रेन में स्वेलिंग हो जाती है बच्चे की। ये कई इसके कई कॉज हो सकते हैं। इसमें जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो एक वायरस है, जिसे जैपनीज इंसेफलाइटिस वायरस कहते हैं। तो 5 to 35%, 5 से 35% जो एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम देखा जाता है हमारे इंडिया में, उसका मेन कॉज जो होता है वो जैपनीज इंसेफलाइटिस वायरस है। लेकिन सिर्फ जैपनीज इंसेफलाइटिस वायरस ही इसका कॉज नहीं हो सकता, इसका कॉज बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है, अदर एजेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डेंगू भी हो सकता है, मम्स इन्फेक्शन भी हो सकता है, मीजल इन्फेक्शन भी हो सकता है, निपा और जिका वायरस इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसकी वजह से एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम देखा जा सकता है, ठीक है। अब एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम के का रियल कॉज क्या है, ये कह पाना बिना डायग्नोसिस के पॉसिबल नहीं हो पाता। अब इसमें जो एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम में जो ये एक मेडिकल और न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी कंडीशन होती है, जिसमें तुरंत लाइफ सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है, तुरंत ऑक्सीजन की डिमांड होती है, तुरंत ऑक्सीजन की सप्लाई पर बच्चे को रखा जाता है, और तुरंत जो भी लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं उसको उसकी बॉडी में पहुंचाई जाती हैं। अब ये जो आउटब्रेक होता है, ये डिसीज़ का आउटब्रेक हर साल होता है, खास करके ये मानसून में, यानी जून से लेकर अक्टूबर में, जब इंडिया में मानसून का वक्त होता है उस वक्त इसके आउटब्रेक होता है, ज़्यादातर बीमारी उस वक्त ये फैलती है। इसके अलावा अप्रैल और जून में भी बिहार में इसके केसेस देखे गए हैं। इसके जो साइन और सिम्टम यानी इसके जो लक्षण होते हैं, उनमें हाई फीवर आ जाना, नौजिया यानी उबकाई आना, और साथ ही साथ सीजर्स यानी कि दौरे पड़ना इसके मेन सिम्टम्स हैं। इसके अलावा कुछ और भी सिम्टम्स लक्षण देखे जाते हैं, जैसे हेडेक, सरदर्द होना, वॉमिटिंग होना, एबनॉर्मल पॉस्चरिंग, बिहेवियर में चेंज होना, पर्सनैलिटी में चेंज होना, इसके अलावा बॉडी में रैशेज होना, ये सब भी सिम्टम्स देखे जाते हैं, ये सब भी लक्षण देखे जाते हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो लक्षण नज़र आता है वो है हाइपोगैलिसीमिया, जो डायग्नोसिस पर पता चलता है कि जो बच्चे AES यानी एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम से अफेक्टेड होते हैं, उनकी बॉडी में जो ब्लड होता है उस ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो ब्रेन में ग्लूकोज सफिशियंट अमाउंट में नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से ब्रेन में स्वेलिंग हो जाती है, और ब्रेन को सफिशियंट ग्लूकोज ना मिल पाने की वजह से ब्रेन की सेल्स डैमेज हो जाती हैं, और इसकी वजह से डेथ हो जाती है। तो जो सबसे बड़ा कॉज है डेथ का वो है हाइपोगैलिसीमिया। हाइपोगैलिसीमिया का मतलब ब्लड ग्लूकोज का बॉडी में कम हो जाना। अब इसका रिलेशन क्या होता है, हाइपोगैलिसीमिया क्यों कॉज होता है बच्चे में एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम में, तो कई ऐसे स्टडीज की गई जिसमें ये पता चला कि ये जो हाइपोगैलिसीमिया है इसका एक बहुत बड़ा कॉज कई स्टडीज में आया है, एक टॉक्सिन है जो कि लीची नाम के फल में, जो गर्मियों में ये फल काफ़ी बिकता है, हम लोग काफ़ी पसंद करते हैं, तो ये जो लीची नाम का फल होता है, इस लीची में एक केमिकल पाया जाता है जिसे मिथाइलिन साइक्लोप्रोपाइल ग्लाइसिन के नाम से इस केमिकल को जाना जाता है। ये मिथाइलिन साइक्लोप्रोपाइल ग्लाइसिन MCPG जो केमिकल होता है जो लीची के अंदर पाया जाता है, ये बॉडी में ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम कर देता है, ऐसी स्टडीज देखी गई हैं।
और ऐसा भी देखा गया है कि जो बच्चे एईएस से अफेक्टेड रहे हैं वो या तो लीची उन्होंने खाई होती है या फिर वो लीची के बाग में उसके एनवायरमेंट में रहे होते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबल कॉज माना जा रहा है कि लीची खाने की वजह से या उसके बाग में रहने की वजह से, उस एनवायरमेंट की वजह से ये केमिकल बॉडी में ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम कर देता है। तो एक बहुत बड़ा कॉज, एक बहुत बड़ी स्टडी ये कहती है कि लीची एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम का। लेकिन यही कॉज हो सकता है, ये अभी बहुत सारी स्टडीज इस चीज को प्रूव नहीं करती हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल कॉज, संभावित जो कारण है वो ये हो सकता है। इसके अलावा और भी जो कॉजेस देखे जा रहे हैं उसमें माल नरिशमेंट देखा जा रहा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि रात में उन्हें खाना नहीं मिल पाता, माल नरिशमेंट होता है, वो कुपोषण का शिकार होते हैं और अक्सर जब रात में उन्हें खाना नहीं मिल पाता तो उनकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, और जब ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो सुबह एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम का इन पर अटैक होता है, और जब बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल कम रहता है तो ऐसी कंडीशन में ये उनकी डेथ का कॉज बन जाता है। तो माल नरिशमेंट भी एक कारण हो सकता है, और ये भी कारण हो सकता है कि लीची खाई हो जिससे कि उस केमिकल ने बॉडी में ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम कर दिया हो, और साथ ही साथ रात में बच्चे ने खाना भी ना खाया हो तो खाने की कमी की वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल भी कम है, और साथ ही साथ लीची के केमिकल ने ब्लड ग्लूकोज लेवल को और कम कर दिया जिसकी वजह से उसके लिए जो ये सिम्टम्स हैं वो फैटल हो गए और फाइनली उस बच्चे की डेथ का कारण बने। तो ये भी हो सकता है, यानी माल नरिशमेंट भी हो सकता है, और लीची और माल नरिशमेंट दोनों, लीची का केमिकल और माल नरिशमेंट दोनों कॉज इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम में। अब इसे ट्रीट कैसे किया जाता है, तो ये वायरस से कॉज होता है, अगर ये वायरस से कॉज है, बैक्टीरिया से कॉज है तो हम एंटीवायरल दवाएं देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, और फीवर और सीजर्स यानी कि झटकों को, दौरों को कम करने के लिए हम उसके उससे एसोसिएटेड जो दवाएं होती हैं उसे दिया जाता है, फीवर को कम किया जाता है, स्टेरॉइड दी जाती है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दी जाती हैं यानी जो सूजन को कम करती हैं, ऐसी दवाएं भी दी जाती हैं, ठीक है, पेन को कम करने वाली दवाएं दी जाती हैं, और भी सिम्टम्स को दूर करने वाली दवाओं की मदद से इसको ट्रीट किया जाता है। क्योंकि इसके कॉज पता नहीं है बहुत अच्छी तरीके से, तो इसलिए सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ दिया जाता है, यानी जैसे सिम्टम्स होते हैं उन सिम्टम्स को कम करने की कोशिश की जाती है। एक्यूरेट कोई एक ड्रग हो जिसकी वजह से हम एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम को ट्रीट कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें इनके कॉजेस बहुत अच्छी तरीके से पता नहीं होते कि आखिर ये एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम का जो दौरा पड़ा है वो क्यों पड़ा है। अब इससे बचा कैसे जा सकता है, बचने का तरीका ये होता है कि बच्चों को जो भी वैक्सीनेशन बचपन में दिया जाना जरूरी है, ठीक है, वो वैक्सीनेशन जरूर दिया जाए। जापानीज इंसेफ्लाइटिस का जो वैक्सीन है वो अवेलेबल है, गवर्नमेंट भी इसे यूआईपी प्रोग्राम के अंतर्गत, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत इसको लगाती है, और साथ ही साथ ये प्राइवेट क्लिनिक्स पर भी लगता है। तो ये वैक्सीन का लगाना बहुत ज़रूरी है, और जो भी वैक्सीन बचपन में ज़रूरी होती हैं उनको रेगुलर लगवाइए, जो वायरल डिसीजेस कॉज कर सकती हैं उन डिसीजेस को अपने बच्चों को बचाने के लिए इन वैक्सीनेशन का यूज़ करिए। इसके अलावा ये जो जापानीज इंसेफ्लाइटिस होता है, जो मेन कॉज होता है इस एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम का, ये एक मॉस्क्यूटो से फैलता है, तो मॉस्क्यूटो की ब्रीडिंग यानी मॉस्क्यूटो मच्छरों के पलने वाली जो जगह होती हैं जहाँ पर पानी इकट्ठा है उसको वहाँ से हटाने की कोशिश की जाए, साथ ही साथ उस जो मच्छरों के पलने की जगह है उनको हटा दिया जाए, उनमें दवाएँ छिड़क दी जाएँ, साथ ही साथ जो भी जिस बच्चों को हमेशा हाइड्रेट रखिए, लॉट ऑफ वाटर, उनको बहुत सारा पानी दीजिए, क्योंकि पानी जो होता है वो बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है। अच्छा खाना खिलाइए, माल नरिशमेंट से दूर करिए, इसके अलावा अच्छी हाइजीन रखिए, अच्छे फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, और साथ ही साथ इनको खाने से पहले अच्छी तरीके से वॉश कीजिए। इस सब चीज़ें करके इस बीमारी से प्रिवेंट किया जा सकता है, बचाव किया जा सकता है।
अच्छा, अगर किसी को एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम अगर हो जाता है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं? तो अगर ये ऐसा हो जाता है तो मेमोरी लॉस हो सकती है, ठीक है, पर्सनैलिटी में चेंज आ सकता है, इंसान जो बच्चा होता है वो थका हुआ महसूस कर सकता है, विजन प्रॉब्लम उसको हो सकती है, देखने में समस्या हो सकती है, उसको मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं, सुनने में समस्या उत्पन्न हो सकती है, ठीक है, डिफिकल्टी बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है, कोमा में बच्चा जा सकता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, और फाइनली इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। भारत में इस स्टेटस को देखा जाए कि एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम का क्या स्टेटस है, तो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम ने जो डाटा डाटा है, तो उस डाटा के हिसाब से इस 2018 में 10,485 10,485 केसेस देखे गए, डायग्नोस किए गए एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के, जिसमें 632 बच्चों की मौत हुई 17 स्टेट में। वैसे तो एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से 6% मौत का जो मृत्यु दर है, जो फैटेलिटी रेट है, वो 6% ही है, लेकिन बच्चों में ये फैटेलिटी रेट काफ़ी बड़ा हो जाता है, लगभग ये फैटेलिटी रेट 25% होता है। और इंडिया में जो मोस्ट अफेक्टेड एरिया है उसमें सबसे पहला आता है बिहार। बिहार में 2014 में भी काफ़ी बच्चों की जान उसने ली थी। हर साल काफ़ी बच्चों की जान बिहार में इसकी वजह से जाती है। इसके अलावा आसाम, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, तमिलनाडु, कर्नाटका, त्रिपुरा, इससे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से जुड़ी हुई ये जो इन्फॉर्मेशंस हैं और ये जो जानकारियां हैं वो होप कि आपको पसंद आई होंगी, और तो आप इसे अच्छे से तैयार कीजिए अपने एग्ज़ाम के लिए, साथ ही साथ उन बच्चों के लिए दुआ कीजिए जो इस वक्त हॉस्पिटल्स में हैं, बीमार हैं, और उन पेरेंट्स के लिए दुआ कीजिए जिनके बच्चों ने इस बीमारी की वजह से दम तोड़ दिया है। और अपने आप को सेफ रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, और आसपास इस की अवेयरनेस फैलाइए जिससे कि कम लोग ऐसी बीमारियों से अफेक्टेड हों। शुक्रिया, थैंक यू।